हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है पिछले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसमें पोस्ट जो है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, उसमें हम लोगों ने जायगोट के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? जायगोट के बारे में। जायगोट जब डेवलप करता है तो वो क्या बनता है? एम्ब्रायो। एक जायगोट जब कैसा होता है? सिंगल सेल होता है, ठीक है। सिंगल सेल जब ये डेवलप करता है कई डिवीजन के द्वारा, तो इससे डेवलप होकर के बनता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या है हम लोग इसको पढ़ेंगे। एम्ब्रायो को कहते हैं हिंदी में भ्रूण, क्या बोलते हैं? भ्रूण। और जायगोट को क्या बोलते हैं हिंदी में? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। तो ये युग्मनज को हम लोग पढ़ लिया है। इससे एम्ब्रायो कैसे डेवलप होता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे। तो एम्ब्रायो जो बनने का प्रोसेस है उसको कहते हैं एम्ब्रायो जेनेसिस। जेनेसिस जहाँ भी लगा रहे ये जो है, ठीक है, जेनेसिस जब वर्ड रहे इसका मतलब है वो एक प्रोसेस है, जेनरेशन का, बनने का प्रोसेस, डेवलपमेंट का प्रोसेस। तो कुछ वहाँ पर नया बन रहा है, तो एम्ब्रायो बन रहा है, इसलिए एम्ब्रायो जेनरेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव होना। उद्भव मतलब उत्पन्न होना या विकास होना। भ्रूण का विकास होना वो भ्रूणोद्भव कहलाता है। तो ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का प्रोसेस है, एक विकास का प्रोसेस है। किसका विकास होता है इसमें? ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जेनेसिस में किसका विकास होगा? एम्ब्रायो का। इसको कहते हैं भ्रूण। ये किससे विकास होता है? विकास होता है फ्रॉम द जायगोट। जायगोट से एम्ब्रायो का विकास होता है। तो जायगोट पहले रहेगा, बाद में एम्ब्रायो बनेगा। युग्मनज पहले रहेगा, बाद में वो भ्रूण बनेगा। जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। कैसे बनता है? तो कह रहे जायगोट जो होता है इसके अंदर में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होते होते क्या होगा? आप बताओ, इसमें जितना सेल था, पहले एक सेल था, जितना बार सेल होगा उसका डबल सेल का नंबर बढ़ेगा, उन्हें बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो गया? तो इसमें क्या होता है, जायगोट में सेल डिवीजन होता है। और कैसा होता है वो? माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? समसूत्री विभाजन, स्वयं कोशिका बनता है। तो डिप्लॉयड है तो सभी सेल डिप्लॉयड होगा, तो माइटोसिस डिवीजन से सेल डिवीजन होता है। एंड और क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं विभेदीकरण। क्या बोलते हैं? विभेदीकरण। विभेदीकरण से क्या होता है? उसमें भेद होता है। अब सब डेवलप कर गया तो सब सेल तो कैसा होगा? तो फिर एक कोई बालक बनेगा, कोई पेड़ बनेगा, कुछ बनेगा, तो जी तो उसका हर एक अंग एक ही जैसा होगा क्या? उसमें अलग अलग चाहिए ना। जैसे मान लो ये भ्रूण है एक ह्यूमन बॉडी का, बच्चे व्यक्ति का है, तो उसमें कुछ सेल बनेगा, आँख कुछ बनेगा, नाक कुछ बनेगा, ब्रेन कुछ बनेगा, हाथ कोई बनेगा, पेट कोई, हार्ट, अलग अलग पार्ट ना बनेगा, तो वो कैसे बनेगा? तो पहले सबसे पहले सेल नंबर चाहिए, ठीक है, और बाद में उसको फिर क्या क्या आता है, डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। जैसे कि हम लोग लाते हैं घर बनाना है, तो ईंट है, बालू है, सीमेंट है, छड़ है, छर्री है, इतना ना सामान है। इसी से बिल्डिंग का कितना स्ट्रक्चर बन जाता है, छत भी बन जाता है, छज्जा भी बन जाता है, दीवार भी बन जाता है, प्लास्टर भी हो जाता है, सबका रूप अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। तो इसमें जो है सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स पड़ता है, और बाद में उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तब वो ग्रो करता है। तो सेल डिवीजन क्या हो गया? इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो एम्ब्रायो में जो है सेल का नंबर वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा। जब बढ़ गया नंबर सफिशियंट अमाउंट में, तो फिर उससे क्या बनेगा? ये इंक्रीज का जो है ना सेल डिवीजन, ये प्रोसेस जिंदगी भर चलता है, चलते रहता है, टूटता फूटता है, नया सेल बनता है। तो ये नंबर ऑफ सेल्स को एम्ब्रायो में इंक्रीज करने का काम सेल डिवीजन से होता है। और सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है? ये कहता है हेल्प्स इन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स का ग्रुप बनाने में हेल्प करता है। कुछ सेल्स जो है एक काम करेगा, कुछ सेल्स अलग काम करेगा।
तो जो सेल्स का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है जो स्पेशल काम करता है उसको कहते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू उत्तक। और जब कुछ स्पेशल टाइप का उत्तक टिश्यू जो है उसका ग्रुप मिल जाए एक कुछ खास काम करने के लिए उसको कहते हैं ऑर्गेन, अंग कहते हैं। तो यही कह रहा है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को हेल्प करता है क्या करने के लिए? टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ बदलाव करके। डिफरेंशिएशन क्या करता है? उस सेल में कुछ चेंजेस करता है, मॉडिफाई करता है, उसको बदल देता है। टू फॉर्म, ये बदलाव क्यों करता है? बनाने के लिए। क्या? स्पेशलाइज्ड स्पेशल टाइप का क्या बनाना है? टिश्यू। और क्या बनाना है? ऑर्गेन। क्यों बनाना है? टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज, एक व्यक्ति का निर्माण करना है। व्यक्ति का निर्माण, हमको मूर्ति बनाना है तो हमको स्टिक के लिए एक लाठी चाहिए, लकड़ी का चाहिए ना, उस पर जो है कुछ पुआल चाहिए, मिट्टी चाहिए, पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, अलग अलग चीज़ का निर्माण करना है। तो वो सब जो जो चीज़ चाहिए, कुछ इसके टर्म बनेगा, कुछ मसल्स बनेगा, कुछ नर्वस सिस्टम बनेगा, तो इसके लिए स्पेशल टाइप का टिश्यू चाहिए। तो वो उसी सेल से डेवलप करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ये काम अंदर में होता है। अब देख लिए, ये जब विकास हो गया और जब वो भ्रूण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो वो डिलीवर हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बच्चे का निर्माण होता है, वो फिर डेवलप करके मैच्योर बन होता है। तो इस तरह से प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है कि एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद चाइल्ड का विकास कंप्लीट हो जाता है, वो बाहर में स्वतंत्र रूप से जीने लगता है। तो ये होता कैसे है? ये तो एम्ब्रायोजेनेसिस भीतर में हुआ, अब ये बाहर कैसे निकलता है, इसका प्रोसेस है। इस बच्चे का जो बाहर निकलना, दुनिया में निकलना होता है, उसके आधार पर एनिमल्स में दो कैटेगरी है, ठीक है? बच्चे का बाहर निकलना, एम्ब्रायो तो कंप्लीट बन गया सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन के बाद, तो अब ये भ्रूण कैसे चाइल्ड में डेवलप करेगा, इसके लिए प्रोसेस है वो दो तरह का होता है। इसीलिए दो टाइप का एनिमल्स होता है, एक होता है ओवी पेरस, एक होता है वीवी पेरस। ये क्या है? ओवी पेरस है अंड प्रजक और वीवी पेरस है सजीव प्रजक। अंड प्रजक क्या हुआ? अंडा देने वाला, सजीव प्रजक हो गया बच्चा देने वाला, ठीक है? डायरेक्ट बच्चे का पैदाइश होगा इसमें अंडा पैदा होगा। तो ये प्रोसेस के आधार पर एनिमल्स कितने कैटेगरीज में हो गए, कितने टाइप्स के हो गए? दो टाइप, एक हो गया ओवी पेरस और दूसरा हो गया वीवी पेरस। ओवी पेरस में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, जायगोट नहीं ले गया, जायगोट से ना एम्ब्रायो बना, तो जो जायगोट से का डेवलपमेंट होता है टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हुआ बॉडी के आउटसाइड में, तो जायगोट का भी डेवलपमेंट कहाँ होगा? बाहर में। ये तो किसमें हुआ? ये तो कुछ पक्षियों में था, कुछ रेप्टाइल्स में था, तो जो जिसमें था ये उसके लिए ओवी पेरस का प्रयोग हुआ है। तो जब आउटसाइड ऑफ बॉडी में जायगोट का फॉर्मेशन होता है और उसका डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रायो भी कहाँ बनेगा? बाहर में बनेगा, ऑफ द बॉडी। किस पे? बॉडी का, ऑफ द फीमेल पेरेंट्स, उसकी माता है, उसके बॉडी से बाहर जब जायगोट का निर्माण होता है और उसका विकास होता है तब वैसे जीव को कहते हैं ओवी पेरस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? रेप्टाइल्स, बर्ड्स। रेप्टाइल से क्या? सांप है, ठीक है? इसका कैसा होता है बच्चा? अंडा होता है ना, वो बाहर में जाता रहता है, पेट में पालन उसका नहीं होता है, पक्षी का अंडा ना होता है। तो इस तरह का जो है फ्रॉग का, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह था, सब जो है बाहर में फर्टिलाइजेशन करता है, तो वो हो गया ओवी पेरस। इसमें क्या होता है? दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, ये अंडा देता है जो बहुत हो सकता है फर्टिलाइज्ड भी हो, कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन का भी एग डेवलप करता है। तो ये उसको ले करता है, सेता है, सेना, ठीक है? मतलब बाहर में उसको नॉर्मल टेम्परेचर देना जिसमें वो विकास हो सके। जब बॉडी के अंदर रहता है तो बॉडी के टेम्परेचर से वो पकता है, मैच्योर होता है, लेकिन जब बाहर होता है तब उसको ढक करके उसकी माँ जो है उसको गर्मी देता है ताकि उसका बाहर में
डेवलपमेंट ग्रुप, उसको कहते हैं ले करना। तो ले करता है उसके माता किसको, एग को। द फर्टिलाइज्ड एग, वो जो फर्टिलाइज किया हुआ एग है कवर्ड बाय, वो ढका हुआ रहता है, कवर क्या हुआ रहता है, ऐसे नहीं रहता है खुला, किससे ढका हुआ रहता है, बाय हार्ड कैल्सरस सेल, कैलकेरियस सेल से ढका रहता है। कैलकेरियस सेल क्या हो गया, कैलकेरिया का बना हुआ, कैल्शियम का बना हुआ, जो एक हार्ड कवर होता है उसको कहते हैं कैल्शियम युक्त कवच। सेल मतलब हो गया कवच, जिस तरह से कर्ण के पास कवच था वो सुरक्षित था ना, कोई नहीं मार सकता था, उसी तरह से अंडे का जो चारों ओर खोल रहता है उसका, वो कैल्शियम का बना हुआ होता है। वो क्यों होता है, उसके अंदर जो अंडा है, जो बच्चा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए फर्टिलाइज एग जो होता है वो कवर्ड रहता है ढका हुआ हार्ड कैल्करियस सेल के द्वारा। एंड और लेड इन, वो कहाँ रखा रहता है, सेफ पैलेस, सेफ प्लेस पर रहता है, वो सुरक्षित जगह पर अंडा सेती है। उसकी माँ पाप को पता है कि कौन जगह में खतरा है, कौन जगह जो सुरक्षित है, तो सुरक्षित जगह पर उसको पाल कर रखता है, इन द एनवायरनमेंट, आस पास के वातावरण में जहाँ सुरक्षित रहेगा अंडे को वहीं पर दिया जाता है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, जितना दिन तक अंडे के अंदर बच्चा रहेगा चुपचाप पड़ा हुआ, भीतरी उत्तर डेवलप हो रहा है, इंद्राव बन रहा है, लेकिन भीतर में जितना दिन तक रहेगा उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, जैसे सोने वाला सीट में था ना कि चुपचाप सोया रहता है रेस्ट में, तो इसमें रेस्ट नहीं रहता है, इसमें डेवलपमेंट होता है। अगर अंडा को एक दिन का अंडा है खोल कर देखेंगे तो सिर्फ उसमें क्या दिखेगा, सेल दिखेगा, टिश्यू दिखेगा, लिक्विड दिखेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर वो 5-7 दिन का 10 दिन का हो जाए अंडा, तो उसको अगर खोलेंगे तो उसमें बच्चा निकलेगा, निकलेगा ना, तो वो जो डेवलपमेंट हो रहा है तो इस कारण से उस पीरियड, लेकिन बाहर से लगता है डेवलपमेंट हो रहा है, बाहर से पता नहीं चलता है, तो उस पीरियड को कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, इसको निवेशन पीरियड भी, निवेशन काल भी हिंदी में कहते हैं। तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, हर एक जीवों में अलग अलग पीरियड होता है, किसी में 2 दिन हो सकता है, किसी में 10 दिन हो सकता है, किसी में 9 दिन हो सकता है, तो जो उसका समय है उसके बाद क्या होता है, यंग वंश, जो चाइल्ड उसमें होता है, जो उसका बच्चा है वो हैच आउट होता है। हैच आउट मतलब स्फुटन होना, वो अपने आप जो खोल है ना ये खोल फूट जाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया ओविपेरस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उसमें बच्चे का अंडे के द्वारा डेवलपमेंट होता है, अंडे के अंदर होता है। लेकिन जो विविपेरस होते हैं, जो एनिमल्स जो बाहर नहीं अंदर में डेवलपमेंट करता है, उसमें क्या होता है भाई, तो उसमें होता है जायगोट डेवलप्स इंटू ए यंग वन। जायगोट जो है वो यंग वन में, चाइल्ड में डेवलप करता है, कहाँ पे करता है, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, फीमेल माता के पेट में, माता के बॉडी के अंदर में डेवलपमेंट करता है, कौन, जायगोट, किस रूप में, यंग वन में, एम्ब्रायो में, बच्चे में। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज, अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, क्या हो गया, प्राप्त करना, जब वो जो है वो बॉडी के अंदर, एक दिन में तो नहीं बाहर निकलता है, उसके लिए कुछ एक टाइम है जिस टाइम पर वो ये जायगोट से एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है फुली। तो आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का जो कुछ स्टेज है उसको जब पा लेता है वो, द यंग वंस आर डिलीवर्ड, यंग वन मतलब बच्चा जो है वो डिलीवर्ड होता है, बाहर निकलता है, प्रसव होता है, जिससे व्यक्तियों में क्या होता है, प्रसव होना, मतलब बच्चे का पैदा होना, उसको कहते हैं डिलीवरी। तो डिलीवर्ड जो होता है, प्रसव जो होता है, वो कहाँ होता है, आउट ऑफ द मदर बॉडी, मदर के बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। तो डिलीवरी होना, प्रसव होना क्या है, माँ के पेट से बच्चे का बाहर निकलना। ये कब होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद होता है, वो जब फुली ग्रोथ हो जाता है उसका। प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर, केयर किया जाता है, एम्ब्रायो में डेवलपमेंट जो हो रहा है उसका प्रॉपरली केयर किया जाता है बॉडी के अंदर में। एंड प्रोटेक्शन,
उसका बचाव भी होता है, स्वास्थ्य दिखता नहीं है या कम पता चलता है लोगों को। इसीलिए प्रोटेक्शन और केयर के कारण चूंकि पेट के अंदर होता है, सर्वाइवल चांसेस इज ग्रेटर, वो सर्वाइवल होने का चांस जो है ज़्यादा होता है, ज़्यादा वो जीवित होने का चांस होता है, कम ऐसा है बच्चा जो मरता है पेट में। ठीक है, बाहर में अंडा बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, बहुत लोग फोड़ देता है, किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, लेकिन इसमें जो है वो प्रोटेक्शन के कारण ज़्यादा चांस होता है जीवों का पैदा हो जाना। ये तो एनिमल्स में हुआ, इसी तरह की घटना प्लांट्स में क्या होता है तो फ्लावरिंग प्लांट में देखते हैं। जायगोट इज फॉर्म्ड, इसमें जब जायगोट बनता है तो कहाँ बनता है, इनसाइड द ओव्यूल, बीजांड में बनता है। और देखा था कि वर्टिकाग्र से जब अंदर घुसता है पोलन ट्यूब के द्वारा पोलन ग्रेन, तो अंडा के पास पहुंचा, अंडा के पास जब पहुंचा तो इसमें जो है ये जो अंदर इन किया पोलन ग्रेन, तो ये जो बना तो ये क्या था, बीजांड था, ओव्यूल था, इसके अंदर में वो डेवलप किया। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए कितना व्यवस्था था, इसके ऊपर में फूल लगा हुआ था, पत्ता लगा था, रंग बिरंगा था ना, चिपचिपा, इसमें रस था ताकि हमरा जो है आकर के उसको रस चूसे, और रस चूसने के बहाने जो क्या होगा, पोलिनेशन हो जाएगा। तो जब ये क्रिया क्यों हो रहा था, इस फर्टिलाइजेशन के कारण उसमें फूल फल लग रहा था, फूल लग रहा था रंग बिरंगा। जब ये काम हो गया जो इसका मकसद था, तो वो जो फूल का कलर वगैरह था उसका कोई काम रहा, तो यही बात कह रहा है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है कंप्लीट, तो सेपल, पेटल्स, स्टामेंस, ये सब जो है बाही दल, पंखुड़ी, पंकेसर, ये सब जो है विदर एंड फॉल ऑफ, मुरझा कर झड़ जाता है, उसका काम हो गया, फूल का फिर जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है, जिसके काम, जिस मकसद के लिए वो था वो उसका पूरा हो गया। एक्सेप्शन है, कोई कोई प्लांट्स ऐसा है जिसमें सेपल्स या पिस्टिल जो है वो रहता है, मैक्सिमम केस में सब झड़ जाता है। जायगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो, इसका जो जायगोट होता है वो एम्ब्रायो में डेवलप करता है, भ्रूण में। ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड, इसके बीच में जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप कर जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कौन किसमें डेवलप करता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जायगोट करता है डेवलप एम्ब्रायो में, ओव्यूल्स डेवलप करता है सीड में, और ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये ओवरी ही फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है, जो अंडाशय होता है वही उसका फल बनता है। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी कि किससे क्या बनता है, तो सीड का निर्माण किससे होता है, ओव्यूल से। एम्ब्रायो में भ्रूण का निर्माण किससे होता है, जायगोट से। फल किससे बनता है, ओवरी से। ठीक है, तो ये जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है कब, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ये फ्रूट जो होता है कुछ डेवलप, फ्रूट जो है फ्रूट क्या करता है, डेवलप करके एक पेरिकार्प बनाता है। पेरिकार्प क्या है, पेरी मतलब होता है बाहर में, बाहर में एक खोल बनाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं फल भित्ति। हम देखते हैं कोई फल होता है ना, जैसे आम का एक फल ले रहे हैं, आम का फल जो है मेन तो बीज है, बीज के ऊपर में एक गुद्देदार जो है कवर रहता है, फल भित्ति कहते हैं उसको, उसमें कई लेयर होता है। ठीक है, उसको कार्प में देते हैं, पेरिकार्प, मेसोकार्प, ये सब होता है। तो फल भित्ति जो है ऊपर में रहता है, वो क्यों रहता है, वो ठीक है और प्रोटेक्टिव होता है, वह बीज को बचाने के लिए रहता है। और अगर उसमें रसदार है, रसदार फल क्यों है, भगवान क्यों दिया उसमें, नेचर ने खाने के लिए नहीं दिया है, उसका प्रसारण करने दिया है। ऐसे तो आम का एक फल है, आम का पेड़ में फल लगा, हजार आम का फल लगा, सब बीज वहीं पर गिर जाएगा, तो सब बीज वहीं पर आम का पौधा बनेगा ना, तो कहाँ पर उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है, वो बीज दूर दूर चले जाए और दूर दूर में जाकर के अलग अलग जगह पर उसका डेवलपमेंट हो, प्लांट नया प्लांट बने। तो दूर कौन लेके जाएगा, किसको काम है ये, बिना स्वार्थ का कोई काम नहीं करता है। हर व्यक्ति, हर नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं स्वार्थी भी होता है ना, तो इसीलिए नेचर ने उसमें रसदार भर दिया गुद्दा,
जिसको खाने के लिए लोग एक आम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है और खा करके जब वहाँ फेंकता है तो वो प्लांट्स वहाँ पर हो जाता है। तो इसका प्रसारण करने के लिए उसमें गुद्देदार उसका रस दिया रहता है, उसका गुण रहता है, मिठास रहता है। वो फल वृत्ति के लोग में हम लोग बीज का प्रसारण करते हैं। आफ्टर डिस्पर्सल, जब ये डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, विकिरण हो जाता है फल का अलग अलग जगह में, तो सीड जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। उसका जो सीड है, जो बीज है, जब बीज को अनुकूल वातावरण मिला, अगर आम ही लाए और बीज उसका सूखा सूखा के घर में हम बक्से में रखें तो जर्मिनेट करेगा, प्लांट बनेगा उससे? नहीं बनेगा। प्लांट उसमें क्या गुण है उसमें, लेकिन बनेगा कब? जब वो सीड जो है फेवरेबल कंडीशन में चले जाए, मिट्टी में चले जाए, नम मिट्टी में, हम बाहर में फेंक दिए मिट्टी में, तो वो उसको जर्मिनेशन का अनुकूल वातावरण मिला और वहाँ पर से अंकुरण उसमें हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, वो फिर न्यू प्लांट में डेवलप कर जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्पर्सल जब होता है वो किसके कारण होता है? फ्रूट के कारण। और फ्रूट के कारण डिस्पर्सल किसका होता है? सीड का। सीड जब एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है तो अनुकूल वातावरण में फिर वो नया प्लांट्स में बन जाता है। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना कई तरह का इवेंट्स हुआ और एक तरह से एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है, इसका हम लोगों ने एक प्रक्रिया समझा। एक जीव से दूसरा जीव कैसे बनता है, इसका प्रक्रिया हम लोगों ने समझा। कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। इसमें क्या क्या हुआ एक तरह से समरी हम लोग देख लें। समरी में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, दो ऑर्गेनिज्म में दोनों का गैमिट निकला, गैमिट का फॉर्मेशन हुआ पहले और गैमिट के गैमेटोजेनेसिस के बाद उसका ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर के बाद उसका मिलन हुआ, फ्यूजन, फ्यूजन हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होकर के वो क्या बना, एम्ब्रायो, जायगोट बना फर्टिलाइजेशन में और जायगोट में डेवलपमेंट होकर के क्या बना, एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो डेवलप करके एक अपना आकार रूप लिया, वो बाहर में या भीतर में डेवलप किया और उसके बाद जो है वो एक दुनिया में आया और नया ऑर्गेनिज्म बना। प्लांट में वो फल के रूप अंदर में रहा बीज और वो उसका प्रसारण होकर के वो बना। जब एनिमल्स में देखते हैं तो वो उसके माता पिता अपने आसपास ही उसका प्रसारण करते हैं। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रायोजेनेसिस भी कंप्लीट हुआ।